सरकार और किसानों की बातचीत का पांचवा राउंड चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में सरकार और किसानों के बीच बात बन सकती है, क्योंकि किसानों की मांगों पर सरकार आज 5-पॉइंट फॉर्मूला पेश कर सकती है। किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए पीएम खुद हर बात की निगरानी कर रहे हैं। आज पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में संशोधन पर विचार कर सकती है, जिसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। संसद सत्र बुलाने को लेकर भी प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मीटिंग हुई। हालांकि कोरोना की वजह से अभी संसद का विशेष सत्र बुलाने में मुश्किल हो सकती है। संसद का सत्र कब बुलाया जाए, इस पर सरकार विचार करेगी। इस बीच किसान का आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आज भी डटे हैं, जिन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। सिंघू बॉर्डर से पहले सीमेंटेड बैरिकेटिंग करने के साथ ही कटीले तार लगाए गए हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी की मेहनत रंग लाई है। पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के 48 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है और इस जीत के साथ बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस इस बार भी पहली नंबर पर बनी रही। टीआरएस के खाते में 56 सीटें हैं, वहीं ओवैसी ब्रदर्स अपनी जमीन बचाने में कामयाब हुए हैं। एआईएमआईएम ने पिछली बार की तरह इस बार भी 44 सीटों पर जीत दर्ज की है। चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। 150 सीटों वाले जीएचएमसी में बहुमत का आंकड़ा 75 है। चुनाव नतीजों के बाद तीनों पार्टी में जश्न का माहौल है। बीजेपी जहां 3 सीट से 48 सीटों पर पहुंचने पर गदगद है, तो वहीं टीआरएस के खेमे में जश्न सबसे बड़ी पार्टी बनने का है और ओवैसी की पार्टी को खुशी अपनी जमीन बचाने की है। सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा। और यहाँ से हमने बीजेपी को हराया। हैदराबाद जहाँ 5 लोकसभा की सीटें हों, 24 विधानसभा की सीटें हों, 1.25 करोड़ से ज़्यादा की जनता हो, 75 लाख लोग वोट में जाने वाले हों और उसको कहा जाए कि ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूँ। और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तोनाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा, और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मोहर लगाई। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। लव जिहाद पर अलग अलग प्रदेशों में बनाए जा रहे कानूनों के बीच यूपी के अलीगढ़ और राजस्थान के टोंक से लव जिहाद का केस सामने आया है। अलीगढ़ की कोर्ट में शादी करने आए एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। खुद को हिंदू बताने वाला मुसलमान लड़का पंजाब के मोहाली में रहने वाली 16 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर अलीगढ़ कोर्ट लेकर आया था। वहीं राजस्थान के टोंक जिले में एक लड़के को खंभे में बांध कर पीटा गया। आरोप है कि लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया। भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के दौरान कोरोना का टीका लगाने वाले हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उनका अंबाला के कैंट अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनिल विज ने टीका लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वैक्सीन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर भारत बायोटेक की तरफ से सफाई आई। कंपनी की तरफ से ये साफ किया गया कि क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज पर आधारित है, जिसमें 28 दिनों के अंदर दोनों डोज दिए जाते हैं और दूसरा डोज देने के 14 दिन के बाद ही वो कारगर साबित होगा। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस की स्पीड में काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 36,652 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 512 लोगों की मौत हो गई और 42,533 लोग किलर वायरस को मात देने में सफल रहे। कुल आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 96,08,211 पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,39,700 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल 4,09,679 एक्टिव केस हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार पर कुछ दिनों तक ब्रेक लगने के बाद किलर वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में 24 घंटे में 4,067 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 73 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में इस समय 28,252 एक्टिव केस हैं।